रोजाना की तरह 20 अगस्त 2010 को दौलत सिंह जी सुबह जल्दी उठे और एक गश्त अभियान पर जंगल में जाने के लिए खुद को तैयार किया। वे बाहर निकलने ही वाले थे कि सुबह 6 बजे उन्हें रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डेप्यूटी डायरेक्टर श्री आर एस शेखावत जी का वायरलेस संदेश मिला। एक मेल टाइगर रणथंभौर की सीमा को पार कर गया था और रिजर्व के पास भूरी पहाड़ी नाम के एक गांव में प्रवेश कर गया था। उसने एक भैंस को मार डाला था और अब गांव की सीमा से लगे खेतों में छिपा हुआ था। सर को स्थिति का जायजा लेने और बाघ को रिजर्व में वापस भेजने की कोशिश करने के लिए वहां जाना पड़ा। क्योंकि दौलत सिंह जी ने पहले भी ऐसी स्थितियों को संभाला था, इसलिए वह भूरी पहाड़ी के दृश्य की अच्छी तरह से कल्पना कर सकते थे। उन्होंने एक ट्रैंक्विलाइजिंग गन उठाई और 3 वन कर्मचारियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सर ने लोकल पशु चिकित्सक डॉक्टर राजीव गर्ग को भी अपने साथ चलने के लिए बुलाया। 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वे दुनिया भर में बढ़ते जा रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में सोच रहे थे, और विशेष रूप से घनी आबादी वाले भारत में, जो आज एक चिंताजनक विषय बन चुका है। वनों की कटाई के कारण जंगली जानवर नए क्षेत्रों की तलाश करते हैं और जंगल के बगल में रहने वाले ग्रामीणों के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। फसल की बर्बादी, पशुधन का हनन, चोंटे और मानव जीवन पर उनके द्वारा हमले सभी संवेदनशील मुद्दे हैं जिन्हें सावधानी के साथ संभालने की आवश्यकता है। वह सुबह 8:30 बजे भूरी पहाड़ी पहुंचे और उन्होंने वहां जो देखा उससे वे पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने 4 से 5 फीट ऊंची फसल वाले कृषि क्षेत्र को घेर लिया था। लगभग 60 से 70 वन कर्मचारी अच्छी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ गुस्साई और पथराव करने वाली भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। दौलत सिंह जी को तुरंत एहसास हुआ कि बाघ को बाहर निकालना और उसे रिजर्व की ओर ले जाना असंभव होगा। फिर भी उन्हें स्थिति को कम करने के लिए कुछ सक्रिय करना पड़ा, इसलिए उन्होंने कंधे तक आने वाली फसलों के बीच बाघ को ट्रैक करने का फैसला किया। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन वे उसे ढूंढने में कामयाब रहे। बाघ एक मिट्टी के पहाड़ के पास छिपा हुआ था और पेड़ की शाखाओं पर बैठे कुछ ग्रामीण उसे देख सकते थे। क्योंकि सर और उनके साथी खेत में खड़े थे, इसलिए उन्हें बाघ दिखाई नहीं दे रहा था। उप निर्देशक, जो तब तक वहां आ चुके थे, ने पुलिस कर्मियों से अनुरोध किया कि वे बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करें और उन्हें सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए कहें, ताकि बाघ को मात्र 2 किलोमीटर दूर जंगल में जाने का रास्ता मिल सके। इससे भीड़ और भड़क गई और उन्होंने बाघ की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे थे और भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। डिप्टी डायरेक्टर शेखावत जी, वनपाल हुकुमचंद जी, वन रक्षक राजवीर और दौलत सिंह जी बाघ को स्पष्ट रूप से देखने के प्रयास में मिट्टी के पहाड़ के विपरीत दिशा में चले गए, इस उम्मीद में कि बाघ डर जाएगा और जंगल की ओर बढ़ जाएगा। उनके 1-2 बार ऐसा करने के बाद बाघ उठा, दहाड़ता हुआ पास के खेत की ओर भाग गया, लेकिन भीड़ का शोर आतिशबाजी से भी तेज था और बाघ फिर से फसलों के बीच बस गया। अब बाघ को बेहोश करने के लिए उस तक पहुंचना पूरी तरह से असंभव था। वे अपनी जिप्सी को खेत में नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि दृश्यता शून्य होने के साथ साथ वहां गहरी खाइयां भी थीं। इसलिए उन्होंने अपने सभी ट्रैंक्विलाइजिंग उपकरणों के साथ दूर जाने और बाद में वापस आने का फैसला किया जब भीड़ वहां से हट जाएगी। जब वे ऐसा करने की प्रक्रिया में थे तो दौलत सिंह जी को ACF SR यादव जी से संदेश मिला कि दूसरी तरफ की भीड़ दंगा कर रही है। वे पुलिस बल को धमकी दे रहे थे कि यदि बाघ को तुरंत नहीं पकड़ा गया या मारा नहीं गया तो वे जबरदस्ती उनकी बंदूकें छीन लेंगे और बाघ को खुद ही मार डालेंगे। सर को सलाह दी गई कि वे अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह ऑपरेशन को आगे बढ़ाएं। दौलत सिंह जी को विपत्ति का पूर्वाभास हो गया था, क्योंकि वे 3 वन कर्मचारियों के साथ खेत में पैदल आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ट्रैंक्विलाइजिंग गन लोड की, उसे लॉक किया और हुकुमचंद जी को सौंप दिया। और फिर सर ने ACF यादव जी को वायरलेस पर अपनी स्थिति के बारे में बताया। अचानक से लगभग 8 से 10 ग्रामीण कहीं से उनके पास आए और दौलत सिंह जी और उनकी टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने हुकुमचंद जी से गन छीन ली और चिल्लाए कि वे खुद बाघ को गोली मारने में सक्षम हैं। उन्हें पता नहीं था कि बंदूक को कैसे संभालना है, जिसमें कैटोमीन और ज़ाइलेज़ीन का 7 ml का मिश्रण भरा हुआ था। इस घातक दवा की 2 ml मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। सर को चिंता थी कि बंदूक का सुरक्षा कैच खुल सकता है, जरा सा दबाव दवा को ट्रिगर कर सकता है। अचानक से और भी आदमी आए और नशे में धुत इस समूह में शामिल हो गए। दौलत सिंह जी ने उन्हें समझाने और बंदूक वापस लेने की कोशिश की। वे भीड़ों के बीच खड़े थे, जबकि बाकी भीड़, पुलिस बल और वन कर्मचारी लगभग 1/2 किलोमीटर दूर भीड़ के विपरीत दिशा में थे। वे सब दौलत सिंह जी और उनकी टीम के साथ धक्का मुक्की होते देख सकते थे। शुक्र है कि नेचर गाइड हेमराज मीना और कुछ स्थानीय निवासी हमलावरों पर काबू पाने में कामयाब रहे।
दौलत सिंह जी के वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया कि इस स्थिति में बाघ को शांत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह घनी फसल के बीज दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके अलावा मैदान चारों तरफ से अनियंत्रित दर्शकों के समुद्र से घिरा हुआ था। ACF यादव जी और सिंह साहब ने भीड़ को समझाने की कोशिश की ताकि वे अपना काम कर सकें। इससे वे और भी क्रोधित हो गए। सर ने बंदूक उठाई और टीम के साथ बाघ की तलाश में ऊंची फसलों के बीच चलना शुरू कर दिया। लगभग एक घंटे तक खेत की तलाशी लेने के बाद वे बाघ की पीली और काली धारियों को देखने में कामयाब रहे। उन्होंने उस दिशा में डार्ट चलाया। ऐसा लग रहा था कि वह बाघ को लग गया था, लेकिन बाघ पर बेहोशी की दवाई का असर करने के लिए भीड़ को शांत रहना जरूरी था। भीड़ के चिल्लाने से स्थिति और खराब हो गई थी। जब उन्होंने भीड़ से शांत रहने का अनुरोध किया तो उन्होंने बाघ की ओर पथराव किया, जो खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए जंगल की ओर भागने लगा। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह एक बार फिर फसलों के बीच बैठ गया। उन्हें मुड़ी हुई सुई वाला डार्ट मिला। सुई पर खून और बाघ के कुछ बाल लगे हुए थे। डार्ट उसे जरूर लगा था, लेकिन शायद हड्डी पर, इसलिए दवा ठीक से नहीं निकली होगी। स्थिति बद से बदतर और खतरनाक होती जा रही थी। टीम के पास खेत में एक क्रोधित चिंतित बाघ छिपा हुआ था, जो समान रूप से क्रोधित भीड़ से घिरा हुआ था। तमाम बाधाओं के बावजूद दौलत सिंह जी के पास एक बार फिर बाघ का पता लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हुकुमचंद जी, राजवीर और तुलसीराम के साथ सर बाघ की तलाश में मैदान में गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, दृश्यता लगभग शून्य थी। तभी उन्होंने उनसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर घनी झाड़ियों से घिरा एक बड़ा मिट्टी का पहाड़ देखा। सिंह साहब को एहसास हुआ कि ये पर्वत उन्हें बाघ की तलाश के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान कर सकता है। बहुत कठिनाइयों के बाद कई बार फिसलते हुए वे कीचड़ भरे पहाड़ पर चढ़ने में सफल रहे। पेड़ों की शाखा पर बैठे लोग स्पष्ट रूप से लगभग 50 से 60 फीट दूर से बाघ की धारियां देख सकते थे। अन्य 3 वनकर्मी सर के पीछे थे और वो बाघ की स्थिति या उसकी मुद्रा का पता नहीं लगा पा रहे थे। एकदम से दौलत सिंह जी चलाए और मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ उनके ऊपर था, अपने पंजे उनके शरीर में घुसा रहा था। सर का दाहिना हाथ बाघ के जबड़ों के बीच फंसा हुआ था। टाइगर का दाहिना पंजा सर की छाती पर था। पंजे उनके शरीर के अंदर धस रहे थे। सर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाघ को दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन बाघ के भारी वजन के कारण वे जमीन पर गिर गए। ये दौलत सिंह जी के जीवन का सबसे बुरा सपना था। केवल इस बार ये सच था। सिंह साहब अपने माथे से लेकर चेहरे और जबड़े के दाहिने हिस्से तक अपनी हड्डियों को कुचलने और चटकने की आवाज़ सुन और महसूस कर सकते थे। दौलत सिंह जी ने धैर्यपूर्वक सांस ली और अपनी मृत्यु का सामना करने की तैयारी की। तभी अचानक वजन उठा और बाघ दहाड़ता हुआ वहां से चला गया। सर अभी भी जीवित थे। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी तरह वे खड़े होने और मदद मांगने में कामयाब रहे। मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। दौलत सिंह जी ने मन ही मन सोचा कि वे इस भयानक घटना से बच नहीं सकते थे, जिसे सभी ने त्याग दिया था। सिंह साहब को खड़े होने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। दौलत सिंह जी ने अपना चेहरा छुआ और पाया कि उनके दाहिने गाल के पास एक छोटी गेंद जैसी कोई चीज लटकी हुई है। ये उनकी आंख थी, जो नेत्र सॉकेट से बाहर आ गई थी। हर तरफ खूनी खून था, फिर भी आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर उन पर क्रोध और गुस्सा इतना प्रचंड रूप से हावी हो गया कि वे कांपने लगे। ये गुस्सा उस चिल्लाती हुई अनियंत्रित और उन्मादी भीड़ के खिलाफ था, जिसने बाघ को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने सिंह साहब को मार डालने की कोशिश की। ये दौलत सिंह जी के स्टाफ सदस्यों पर भी निर्देशित था, जो उस समय आसपास नहीं थे जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। वे अपनी बेबसी पर तब तक चिल्लाते रहे जब तक कि उनके फेफड़े फटने ना लगे। इससे कुछ लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। वे आश्चर्यचकित थे कि सर अभी भी जीवित थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें मृत समझकर छोड़ दिया था। उन्हें दर्द होना अब शुरू हो गया था। खून को रोकने के लिए हेमराज और उनके कर्मचारियों ने उनके चेहरे पर एक तौलिया लपेट दिया। सर को आसपास से डिप्टी डायरेक्टर शेखावत जी और ACF यादव जी की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उन्हें खाट पर और फिर जिप्सी में बिठाने की व्यवस्था कर रहे थे। सर इतने सचेत थे कि उन्होंने उन्हें बताया कि उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और उन्हें खून चढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा वे जीवित नहीं रहेंगे। दौलत सिंह जी को महसूस हो रहा था कि दर्द के कारण उनके शरीर के सभी हिस्से अकड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सवाई माधोपुर के अस्पताल पहुंचने तक की आशा और आत्मविश्वास नहीं खोने की शक्ति दिखाई। भूरी पहाड़ी से सवाई माधोपुर अस्पताल तक का 40 किलोमीटर का सफर उनके जीवन का सबसे लंबा सफर रहा होगा। उन्हें उस समय ऐसा ही लगा था। वे अपने आसपास लोगों को बातें करते हुए सुन सकते थे, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। सर बीच बीच में ACF यादव जी की आवाज़ पहचान सकते थे, जो उनसे पूछ रहे थे कि क्या वे होश में हैं।
उस समय सर जवाब नहीं दे सके क्योंकि उनका मुंह खून से भरा हुआ था। उनकी नाक का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कुचला हुआ था और खून उनके सिर से उनकी नाक में और उनके पेट की ओर बह रहा था। दौलत सिंह जी ने बड़बड़ाते हुए उन्हें बताया कि वे अभी भी होश में हैं। इसके बाद सब कुछ धुंधला था और उन्हें केवल दो बातें याद थी, एक उनका अस्पताल में दवाइयां मांगना और दूसरी बात जब उन्हें हवाई जहाज से जयपुर ले जाया जा रहा था तब बारिश हो रही थी। इसके अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं था। सर ने हुकुमचंद जी, राजवीर और तुलसीराम जी के बारे में भी पूछा जो बाघ के हमले के समय उनके साथ मौजूद थे। सर को बताया गया कि वे सब ठीक हैं और विमान की उड़ान भरते ही वे बेहोश हो गए। दौलत सिंह जी को 12 दिनों के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के ICU जोन में भर्ती कराया गया था और बाद में 2 महीने के लिए कॉटेज वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। सर को याद है जब डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे थे तो उन्होंने अपने जबड़े की ओर इशारा किया था। उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया था और चेहरे और नाक के बाकी हिस्सों पर भी भारी चोटें आई थीं। उनका जबड़ा टूट गया था और ऑपरेशन के दौरान उनके जबड़े को 1 महीने तक तारों से कस दिया गया था। सर सांस ले रहे थे और उन्हें एक पाइप द्वारा भोजन दिया जा रहा था जो उनके मुंह में डाली गई थी। सर को अस्पताल में 20 अगस्त को भर्ती कराया गया था लेकिन बड़ी सर्जरी 23 अगस्त से पहले नहीं की जा सकती थी क्योंकि डॉक्टर्स को रेबीज का इलाज पूरा होने के लिए 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दौलत सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को याद करते हैं जो अस्पताल में उनसे मिलने आए थे और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी, सहकर्मी, मित्र और उनके परिवार ने सर को उस समय डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनसे कहा कि सबसे बुरा समय अब बीत चुका है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जिसने सर को मौत से लड़ते रखा वह उनकी अधूरी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थीं। दौलत सिंह जी के बेटे साउथ अफ्रीका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और उनकी बेटी गुड़गांव में एक बैंकर थी। सर को उनकी शादी करानी थी और ये सुनिश्चित करना था कि मरने से पहले वे अच्छी तरह से सेटल हो जाएं। 23 अगस्त को जब दौलत सिंह जी का ऑपरेशन किया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि यमराज उन्हें लेने आए हैं। क्या ये एक भ्रम था या नशीली दवाओं से प्रेरित एक सपना, वे नहीं जानते थे, लेकिन ये उतना ही स्पष्ट है जैसे कि ये वास्तव में हुआ हो। यमराज ने सर से कहा कि उनका दूसरे लोकों में जाने का समय आ गया है। दौलत सिंह जी ने प्रतिवाद किया कि वे अभी तैयार नहीं हैं क्योंकि सर को इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बहुत से कर्तव्य पूरे करने थे। जिस पर यमराज ने जवाब दिया कि आपने एक योद्धा की तरह मौत से लड़ाई की है इसलिए उन्हें अब मरने से नहीं डरना चाहिए। यमराज ने कहा कि मौत और समय किसी का इंतज़ार नहीं करते और वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि उन्हें मौत को मात देने के लिए कुछ और समय मिला। उनकी बातें सुनकर सर पर दुख छा गया। सिंह साहब ने अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में प्यार से सोचा, फिर खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। तभी किसी ने सर का हाथ धीरे से पकड़ा। उनकी आंखें खुल गईं और सर को अपने चारों ओर धीमी आवाज़ें सुनाई दी। उनकी पत्नी ने उनका हाथ थामकर उन्हें बताया कि उनकी सर्जरी सफल रही और अब उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के लिए ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। सर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित हैं और अपने परिवार के साथ हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए वह जीवित हैं उन्होंने खुद को चुटकी भी काटी। उनके बेटे, बेटी और कुछ रिश्तेदार भी अब वहां आ गए थे। वे यमराज के साथ अपनी मुठभेड़ नहीं बता पाए क्योंकि उनके जबड़े तारों से बंधे थे और वे बोल नहीं सकते थे। फिर भी सर ने अपनी पत्नी को एक रजिस्टर में लिखा कि जैसे ही वे दोबारा बोलने में सक्षम होंगे उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस हादसे पर कड़ा ध्यान देने के कारण दौलत सिंह जी को जयपुर के अस्पताल में सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद अगले 2 से 3 साल तक उनका इलाज चलता रहा। सर का कहना है कि उनकी बात की आंखों की सर्जरी के लिए वे WWF इंडिया के CEO श्री रवि सिंह जी के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की थी। नई दिल्ली में स्थित अपोलो अस्पताल में ये सर्जरीज की गई थी। इससे पहले सर आंखों के इलाज के लिए मुंबई और अहमदाबाद भी गए थे। दौलत सिंह जी के स्कल और चेहरे के दाहिने हिस्से को 3 स्टील प्लेटों और 20 स्क्रू से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। आज तक उनके चेहरे के इस तरफ कोई हलचल नहीं है। उनके जबड़े पूरी तरह से काम नहीं करते और वे चेहरे के बाई तरफ से ही खाना चबा चबा कर खा पाते हैं। उनकी दाहिनी आंख के सॉकेट को भी रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है और उसमें एक आर्टिफिशियल आंख लगाई गई है। सर केवल एक आंख से ही देख सकते हैं लेकिन उनका विश्वास है कि प्रकृति के चमत्कारों को देखना और भगवान के काम की प्रशंसा करने के लिए इतना काफ़ी है। दौलत सिंह जी आज तक यमराज के साथ अपने ना भूलने वाले अनुभव का पता नहीं लगा पाए हैं।
लेकिन वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अवसर दिए जाने के लिए आभारी हैं। उनके दोनों बेटों और बेटी की अब शादी हो चुकी है और वे अब अपने बेटे की गुड़िया जैसी बेटी के दादा भी हैं। सर का कहना है कि वे जीवन का बहुत सम्मान करते हैं और अपना समय आने तक कॉन्जर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काम जारी रखना चाहते हैं। दौलत सिंह जी को बाघ T7 से कोई शिकायत नहीं है, जिसने सर को लगभग मौत दे दी थी। घंटों तक स्थानीय ग्रामीणों के हाथों कड़ी मशक्कत झेलने के बाद उसने आत्मरक्षा में सर पर हमला किया था। जानवर इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं समझते हैं। T7 को नहीं पता था कि जब उसने खाने के लिए भैंस को मार डाला था तो वह भटककर मानव बस्ती में चला गया था और इस गलती के लिए उसे चिल्लाती हुई भीड़ द्वारा परेशान किया जाएगा, जो बार बार उस पर पत्थर फेंकेगी। लोगों ने ना तो बाघ को खेत में फसलों के बीच छिपने का मौका दिया और ना ही जंगल की सुरक्षा में वापस भागने की अनुमति दी। बाघ वहां जमा हुआ स्थानीय लोगों से भी ज्यादा डरा हुआ था। सिंह साहब पर हमला इन्हीं लोगों के सामने हुआ था, इससे वे स्तब्ध रह गए होंगे क्योंकि बाघ मौके से भागने में कामयाब रहा।